हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीएस साइबर टेक। आज मैं आपको बताऊंगा पासबुक प्रिंटर के बारे में। पासबुक प्रिंटर वैसे होते हैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि एसबीआई की पासबुक है हमारे पास, ठीक है, ये पासबुक है। अब इसको हमें क्या प्रिंट करना है, ज्यादातर ये जो काम होता है जो सीएसपी या बीसी पॉइंट लिया होता है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक का लिया रखा होता है, तो कई बार क्या होता है ना, बैंक की तरफ से डिले होती है तो खुद प्रिंट करके देना पड़ता है। जैसे हम भी करते हैं, क्या है कि हम इलाहाबाद वगैरह से ये ऑनलाइन पासबुक आ जाती है। पासबुक प्रिंटर बहुत सारे होते हैं, उनके नंबर होते हैं, वो अपने डिलीवरी कर देते हैं इन पासबुकों को। ये ब्लैंक पासबुक्स होती है, पर इनको क्या प्रिंट करना होता है, प्रिंट करने के लिए आपको जो चाहिए ये PLQ 20 जो प्रिंटर है, यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल नंबर एप्सन कंपनी का PLQ 20 प्रिंटर है। इस प्रिंटर को आपको लेना है। ये जो प्रिंटर है आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा और न्यू भी मिल जाएगा, न्यू कंडीशन में मिल जाएगा जो पासबुक प्रिंटर होते हैं। इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है ये हम आपको दिखाएंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करके, और ये पासबुक प्रिंटिंग करता है, ठीक है। पासबुक प्रिंट करके आप कस्टमर को आराम से दे सकते हैं। तो इसका ड्राइवर किस तरीके से इंस्टॉल होगा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, ठीक है। गूगल पर जा करके हम जैसे नया टैब ले लेते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं PLQ 20 विंडो 10 ड्राइवर, ठीक है। हमारे पास विंडो 10 है, अगर आपके पास जो सी विंडो हो वो डालकर और उसका बिट डालकर सेंड सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी पहला ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपको एक इस वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आई एक्सेप्ट जैसी करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसी वेबसाइट खुलेगी आपके पास लमसम, ठीक है। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके डाउनलोड्स फोल्डर में ऐसा लिंक आ जाता है। तो हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और ये हमारा लिंक है, ठीक है। इस लिंक को जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ओके का ऑप्शन दबाएंगे, तुरंत ही आपका ये वाला सिस्टम जनरेट हो जाता है ड्राइवर। और इसमें जो पहला है विंडो सेवन विस्टा जो भी 64 है XP, इसको क्लिक कर लेंगे आप। इसके सेटअप पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो सेटअप आ रहा है इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, हम सबसे पहले इस पे लाइट क्लिक करेंगे सेटअप पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देखिए आप यस बटन दबा देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल कि जब भी हम इंस्टॉल करें तो हमारा जो प्रिंटर है वो बिल्कुल भी ऑन होना चाहिए और रेडी लिखा आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा जो है प्रिंटर जो सर्च कर रहा है ये मैनुअल पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रिंटर एक बार चालू और बंद कर लेना है। तो आप हम एक बार बंद कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार चालू कर देंगे। इससे क्या है, जो ये मैनुअल का ऑप्शन होगा ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट भी करना होता है आपको। देखिए यहाँ पे लिखा आ चुका है प्रिंटर ड्राइवर एंड कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट वेयर कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। हम इस पे ओके पे क्लिक कर लेंगे, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो डी कर देंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोई नया पेज ले लेंगे और यहाँ पर ABCD वगैरह कुछ भी टाइप करके और हम टेस्टिंग करेंगे पेपर पे। हम पे ये रहा पेपर, नॉर्मल सा प्लेन कूल प्लेन पेपर है और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसने ये पेपर खींच लिया है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल पी का कमांड देंगे, ठीक है, इसको ओके कर देंगे और इसको प्रिंट के लिए भेज देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा ये जो है पासबुक प्रिंटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने टेस्टिंग पेज किया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रुपए की, इसकी प्राइस क्या है। इसकी नई की जो प्राइस है वो 25,000 रुपए है और सेकेंड हैंड मार्केट में 10,000 से 12,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो काम होता है वो रिबन का होता है, इसके अंदर रिबन वर्क करती है, नॉर्मल नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप, ये जो रिबन है आपकी यहाँ से निकल करके पूरी नई रिबन डलती है हर बार, ठीक है। ये लगने के बाद हमेशा कम से कम 1,000 से 2,000 पासबुक आराम से प्रिंट कर देती है। तो इसलिए रिबन क्वालिटी बोलते हैं इसे प्रिंटर, जैसे इंकजेट होता है प्रिंटर, डेस्कटॉप जेट होता है, ठीक है, लेजर जेट होता है, वैसे ही जो ये प्रिंटर है ये आपका रिबन वाला है, ठीक है। तो इससे रिबन से प्रिंट होता है, ये पासबुक के लिए ही यूज होता है, सिर्फ कोई सी बैंक की पासबुक को आप इससे प्रिंट कर सकते हो। खासकर ये BC और CSP वालों के लिए है, ये अदर लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।